सबसे बड़ी शादी जो नबी के जमाने में हुई वो हजरत फातिमा की शादी थी। अरे बोलो ना, मुहर्रम का महीना है, नबी की। सहाबा इतने खुश थे, अरे बताओ अल्लाह की कसम, सहाबा कैसे खुश होंगे आज नबी की बेटी की शादी होने वाली। भाई किसकी शादी होने वाली? नबी की। पर आप बताओ, आपके दोस्त की बेटी की शादी हो तो आपका दिल खुश होता कि नहीं होता? तो यहाँ तो दोस्त नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी की शादी होने वाली। सहाबा किराम आपस में बैठे और बैठकर क्या कहते? सहाबा किराम आपस में मशवरा करते और कहते, एक सहाबी क्या कह रहे, मैं नबी की बेटी की शादी होने वाली, मैं तो ये हदीये में देने वाला। दूसरा कहता, मैं ये देने वाला। तीसरा कहता, मैं ये देने वाला। चौथा कहता, मैं ये देने वाला। तो वहां हजरत सलमान फारसी भी थे। कौन थे हजरत सलमान फारसी? कहने लगे, सब थोड़ा थोड़ा मत दो, सब अपना पैसा एक जगह जमा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक जोड़ा खरीदो, ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे कि नबी की बेटी की शादी में ऐसा जोड़ा फातिमा ने पहना कि ऐसा जोड़ा कोई नहीं पहन सकता। मशवरा हो गया, बोलो मशवरा। और बताओ सारे साहबा थोड़ा थोड़ा पैसा देवे तो ऐसा जोड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मेरे दोस्तों, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कैसा जबरदस्त जोड़ा होगा, कैसा जबर। आज दुनिया की औरतें कोई 2000 का जोड़ा बना रही, कोई 10000 का जोड़ा बना रही, कोई शादी के मौके पर 50000 का जोड़ा बना रही। अरे अल्लाह की कसम, फातिमा का जो जोड़ा बना होता ऐसा कोई जोड़ा बना सकता? कपड़े का जोड़ा कौन बना सकता? सारे सहाबा ने चादर फैला दी, डालो इमदाद करो, इमदाद करो, नबी की बेटी का जोड़ा बनेगा, नबी की बेटी की चादरें बनेगी। वो पैसे का ढेर जमा हो गया। आए इनके पास अल्लाह के रसूल, बहुत पैसा जमा अल्लाह के रसूल। क्यों? आपकी बेटी की शादी होने वाली ना, हम सब मिलकर आपकी बेटी को ये एक जोड़ा बना कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हटा दो, ये सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो। सुनना, सदका कर दो, खैरात कर दो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम अपनी खुशी से दे रहे, हमारी हलाल कमाई है, हमारी कोई हराम कमाई नहीं है, हम हलाल कमाई से ये लेकर आए हैं और आपकी बेटी को जोड़ा दे रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ना, मत दो, वरना मेरी बेटी ये जोड़ा पहनकर जाएगी। अब मैं तो नबी हूँ, ये फातिमा है, लेकिन कयामत तक ऐसा ना हो कि हर लड़के वाला ये कहे कि लड़की जो कपड़ा पहन कर आएगी वो बहुत भारी होना चाहिए। जाहिर बात है, सब लोग फिर यही कहेंगे, फातिमा बहुत भारी कपड़ा पहन कर आई थी, इसे तुम्हारी बेटी को भी भेजो ना, तो 50000 का कपड़ा पहना के भेजना। क्यों? क्या फातिमा बहुत महंगा पहन कर आई थी? हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी नजर फातिमा पर है, मेरी नजर कयामत तक आने वाली मेरी बच्चियों पर है। बात समझ में आई? और देखो, जब अल्लाह के वास्ते कोई करता तो मिलता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उठाओ चादर, उठाओ, सदका करो, अल्लाह के रास्ते का खैरात करो, मेरी फातिमा वही जोड़ा पहन कर आएगी जिस जोड़े के ऊपर न जाने कितने खजूर के पैवल लगे होंगे। बस सहाबा किराम उधर गए, यहाँ हमारे नबी है, फातिमा रो रही है, दरवाजा किसी ने खिटखिटाया, अल्लाह के रसूल सासम गए, दरवाजा खोला, आने वाले कोई इंसान नहीं थे, जिब्राइल थे। कौन थे? जिब्राइल थे, और हाथ में एक जोड़ा था। हाथ में क्या था? कपड़े का जोड़ा था, ऐसा चमकता था कि फातिमा फरमाती थे कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उसकी चमक आसमान के ऊपर नजर आती थी। कौन लेकर आया जोड़ा? बोलो कौन लेकर आया जोड़ा? हजरत जिब्रील। और क्या था? अल्लाह के रसूल सहाबा ने भेजा, आपने वापस कर दिया, ये तो फातिमा के पैदा करने वाले रब खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है। मेरे प्यारो, देखो जो 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 नबी के तरीके पर आता, अल्लाह बरकत दे रहा है कि नहीं दे रहा? अरे बोलो, अल्लाह बरकत दे रहा है कि नहीं?